Today we are going to discuss chapter number 13. I have already uploaded the videos about the chapter number 13. So, कुछ हम तेजी के साथ यहाँ इसको discuss करेंगे इस chapter number 13 को. This chapter number 13 is about managing principle, and the learning objective is basically what are the foundations of the modern management ideas, what are the contemporary management models, and what are the labor process theory. This has been discussed in this chapter. So after reading this chapter, you will be able to understand the origins and sometimes shameful of some foundation and principles of early management approaches, and then appreciate how legislative changes made larger organization possible, or know the debate surrounding bureaucracy and its hybrids as the most widespread principle of the management. And describe major theorist principles of management and what are the Marx argument and its modern extensions about the management. तो ये कुछ बातें हैं जो कि हम इस चैप्टर के हवाले से डिस्कस करेंगे. अच्छा, अगर मैनेजमेंट की हिस्ट्री को आप देखें तो मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर कई बातें आपको ऐसी नजर आती हैं. मैनेजमेंट का अर्लियर मॉडल जो थे वो स्लेवरी के साथ बहुत ज्यादा लिंक किया करता था, जिसके अंदर एक शख्स जो है वो इस तरह का निजाम बनाया करता था जिसके अंदर बाकी लोग जो हैं वो उस निजाम के अंदर रहते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते थे. इसकी बड़ी एरिस्टोक्रेसी की एग्जांपल आपको शुरू के अंदर मिलती है, जहाँ जिस तरह एक कोई लैंडलॉर्ड है और उसके साथ उसकी जमीन के ऊपर लोग जो काम कर रहे हैं वो एक किस्म का एक स्लेवरी का मॉडल, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी, बॉन्डेड लेबर भी हुआ करती थी और लोग उस मॉडल के अंदर जो है वो काम किया करते थे. अगर आप ये समझें कि स्लेवरी ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं है. मॉडर्न स्लेवरी अभी भी मौजूद एग्जिस्ट करती है, और स्लेवरी में हम ये कहते हैं कि इंसान अपनी यानी कि ये अपनी मर्जी के बगैर, एक होता है कि आप वॉलेंट्रीली काम कर रहे हो, इनवॉलेंट्रीली उनको काम करना पड़ता है, मजबूरी की हालत में काम करना पड़ता है ड्यू टू द इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन द पर्सन. और इस तरह की जो स्लेवरी है ये अर्लियर मैनेजमेंट के भी आपको मॉडल में नजर आती है, आजकल के मॉडल में भी नजर आती है. चाइल्ड लेबर भी आपको नजर आती है, जहाँ बच्चे मजबूर होते हैं कि जहाँ उनको स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर सकते, मेडिकल की तालीम मेडिकल नहीं है उनके पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर उस पॉवर्टी और हंगर के अंदर मजबूरी की हालत में जब काम करना पड़ता है तो ऐसे ही मैनेजमेंट के ये एग्जिस्ट करती रही है. स्लेवरी की एक फॉर्म आज भी एग्जिस्ट करती है जिसको मॉडर्न स्लेवरी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. उस सूरत के अंदर आपको मुख्तलिफ तरीकों से आपको ट्रेड नजर आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नजर आती है, या इंसानों जाती है, इंसानों को भेजा जाता है मुख्तलिफ कामों के हवाले से, और इसके अंदर मर्द औरत बच्चे सभी शामिल हैं. औरतों के हवाले से ये है कि औरत की जो है उनकी जो ट्रैफिकिंग है वो उसके अंदर भी सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर भी उनको बॉन्डेड लेबर के अंदर स्लेवरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल के ज़माने के अंदर भी सब कुछ हो रहा है. तो ये कुछ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है जो ज़माने में एग्जिस्ट करती थी, आजकल के ज़माने में भी एग्जिस्ट करती हैं, और जिसकी वजह से ये कोई ऐसी कोई काबिल फ़ख्र रवायात नहीं है मैनेजमेंट के हवाले से जो कि अर्लियर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती थी. अब अगर हम मैनेजमेंट के आइडियल के हवाले से बात, तो मैनेजमेंट के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो वन बेस्ट वे मॉडल है, बेहतरीन तरीका कार निकाला जाए जिसके जरिए से काम किया जाए. और जो भी जिस तरह एक्टिविटी हो रही हो लोग के अंदर, जो जनरल मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैव स्प्रेड विद देम ऑफन सजेस्टिंग देयर इज वन बेस्ट वे टू मैनेज व्हाट टुडे इज ऑफन कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिस. तो इसके हवाला ये जो हवाला है कि बेस्ट वे ढूंढा जाए, बेस्ट वन वे ढूंढा जाए और एक बेस्ट तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए, उसी हवाले से आपको नजर आता है मुख्तलिफ बेंच मार्किंग एक्टिविटीज भी आपको नजर आती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस भी नजर आती हैं. तो ये कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है कि एक वन बेस्ट मेथड वन बेस्ट वे भी आइडेंटिफाई किया जाए किसी भी काम करने के हवाले से. और स्लेवरी थी जिस तरह जो एक गुलामों का और कनीजों का कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक मॉडर्न स्लेवरी जो है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है,
जहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ लिविंग कंडीशन बहुत पुअर है, वो आपको अभी भी नजर आती है। ना सिर्फ आपको डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नजर आती है, बल्कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी काफी नजर आती है। तो ये अभी भी मॉडल जो है वो हॉरर ऑफ स्लेवरी जो है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता नजर आएगा इंसान, मिलियन ऑफ पीपल आर बीइंग सब्जेक्ट टू दिस काइंड ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, आप वहां से भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी को देख सकते हैं। अब हम कुछ फाउंडेशनल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं, और जो कि अर्लियर मैनेजमेंट की, मॉडर्न मैनेजमेंट वॉज द एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द लेबर। यानी कि जो पहले की थ्योरीज आई थी जिनका कैपिटलिस्टिक कैपिटलिज्म का जो बुनियादी टेनेंट था वो इसी बात के ऊपर था कि जब लेबर, जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, अगर लेबर एक सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है, यानी लेबर को जिस काम के लिए आपने एंगेज किया और जितनी उसको आप वेज, वेज के अगेंस्ट वो सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है, इसी से जो है जो है वो कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी को उन्होंने कहा था कि ये एक सरप्लस वैल्यू है और इसी से कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी सरप्लस वैल्यू वो है कि अगर आप जिस तरह पहले आपने लेबर को एंगेज किया और लेबर के एंगेज करने के बाद जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है लेबर, यानी वेज के जितनी उसको वेज मिल रही है उससे ज्यादा वैल्यू जो क्रिएट करता है, वो सरप्लस वैल्यू जो होती है वो कैपिटल के लिए सरमाया का सबब बनती है। तो अगर वो सरप्लस वैल्यू क्रिएट करेगा तो ही सरमाया बढ़ेगा, अगर सरप्लस वैल्यू को क्रिएट नहीं कर पाता तो फिर सरमाया जो है सरमायाकार का नहीं बढ़ता। एडम स्मिथ ने लिखी वेल्थ ऑफ नेशन के हवाले से, और उसने कैपिटलिज्म को एक इकोनॉमिक सिस्टम बताया कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट, और द मेजोरिटी ऑफ द पीपल सेल देयर लेबर पावर इन अ मार्केट फॉर लेबर टू ओनर्स ऑफ द कैपिटल, कैपिटलिस्ट विच इज कंसोलिडेटेड इन एन एंटरप्राइज, और एक डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। अच्छा, डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल से मुराद ये थी कि एक इंडिविजुअल है जो कि बाकी लोगों के काम को डायरेक्ट उनको कंट्रोल करता है, और इसी इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज भी हैं, इसी इंडिविजुअल के पास कैपिटल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, मशीनरी और बाकी चीज़ें भी उसके कंट्रोल में हैं, तो उसलिए उसका डायरेक्ट कंट्रोल है लेबर के ऊपर। और फिर मुख्तलिफ किस्म के कानून भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिस तरह का एक कानून है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है। अब लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंशन क्रिएट। लिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये थी कि पहले ये हुआ करता था कि जो कि आप कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो कारोबार जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जे की जिम्मेदारी, कर्जा पूरा करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो तो वो भी यूज की जा सकती थी इस्तेमाल कर्जे को उतारने के लिए। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन को एज एंटिटी आइडेंटिफाई किया गया, और जो उसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कारोबार शुरू करते थे उनकी लायबिलिटी को लिमिट किया गया। लिमिटेड सेंस में किया गया उनकी लायबिलिटी को, कि इन केस ऑफ द डिफॉल्ट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के डेट के लिए लोग पर्सनली लायबल नहीं होंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन लायबल कर्जों को उतारने के हवाले से। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक्सपेंशन क्रिएट हुए इस लिमिटेड लाइबिलिटी के असूल और कानून की वजह से। तो जो उस जमाने के अंदर ये था कि लोग अपनी लेबर को बेचते थे इन द टर्म्स ऑफ द कैपिटल, जो ओनर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं उनके लिए, और वो उस लेबर को लेते थे, इसके बदले में वो काम लेते थे, और जो काम की वैल्यू होती थी वो जो उनकी वेज मिलती थी उससे ज्यादा होती थी, जिसके नतीजे के अंदर कैपिटलिस्ट जो के हैं जिनका कैपिटल लगा होता था उनका कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता रहता था। अच्छा, हेनरी फ्योल के कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं, और हेनरी फ्योल से मैं पहले कुछ बातें आपसे और भी शेयर करना चाह रहा हूँ।
आपको मेरी स्क्रीन बाधे नजर आ रही है? कोई आपको कोई स्क्रीन के अंदर कोई बॉक्स कोई ऐसी चीज नजर तो नहीं आ रही कहीं? नो सर, नो सर, सही आ रही है। ओके, मैं अपनी वीडियो जरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि ये जरा और ट्रांसमिशन बेहतर हो जाए और मैं कुछ आपसे बातें इस बारे से कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें जो है जो शुरू का एक कुछ मामला जो थे वो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल के हवाले से भी थे कि ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग को जिस तरह के बनाया जाए बनाई जाए करती थी कि जिसके जरिए से जो के सिक्योर जो लोग जिन पे जो लोग सरमायाकार थे वो तमाम लोग जो उनके ऊपर जो लोग काम कर रहे थे तो उनके ऊपर नजर रखा करते थे। इसको कहा गया था पेनोप्टिकल प्रिंसिपल, और पेनोप्टिकल प्रिंसिपल से मुराद ये थी कि एक कैपेसिटी क्रिएट की जाती थी जिसके अंदर तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर नजर रखी जाती थी, यानी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इसी तरह रखा जाता था कि आपके ऊपर जो है आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी नजर है, लेकिन नहीं पता कि एम्प्लॉयर कौन से एम्प्लॉय को देख रहा है। तो पेनोप्टिकल अगर आप देखेंगे सर्च भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेनोप्टिकल प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। उस हवाले से अगर आप आर्किटेक्चर देखना चाहेंगे तो गूगल में बहुत सारे पेनोप्टिकल आर्टिकल मिल जाते हैं। मसलन अगर मैं आपसे शेयर हूँ पेनोप्टिकल पेनोप्टिकल स्टाइल क्या होगा, ओके जी। तो पेनोप्टिकल जो प्रिंसिपल है वो आपको इस तरीके से, अच्छा आजकल की जो मॉडर्न फॉर्म है पेनोप्टिकल की वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जरिए से लोग नजर रखते हैं, कोई भी आपके मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो जो पेनोप्टिकल प्रिंसिपल है वो आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, एक तो मैंने आपसे लिमिटेड लाइबिलिटी लेजिस्लेशन की बात की थी जिसके जरिए से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिली, और दूसरा एक और बात थी कि जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ गए तो उसके बाद ये बात के हवाले से कि फाइनेंसर तो वो थे जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ, दे आर द पीपल आर पुटिंग अप द कैपिटल इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बात ये हुई कि जब वो कैपिटल कर रहे थे तो कौन है जो कि उस तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करेगा और इंडिविजुअल को मैनेज करेगा उन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो उसके लिए इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट यूज की गई, इंटरनल कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट है वो मटेरियल यूज करता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज करता है और लेबर को मैनेज करता है ताकि जो रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रिंसिपल भी, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ा तो इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रिंसिपल जो है वो सामने आया। अच्छा, फिर FW टेलर, टेलरिज्म का आपने वर्ड सुना होगा, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैं आपको कुछ अर्ली थ्योरीज मैनेजमेंट के हवाले से बता रहा हूँ, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। और इसके हवाले से ये बात है कि ये एक इंजीनियर था और उसने ये कहा कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई किया उसने। उसने कहा कि मैनेजर का काम यह है कि वो जहनी काम करें, वो मेंटल वर्क करें और वो ये आइडेंटिफाई करें काम को करने का एक बेहतरीन तरीका क्या होता है, जबकि लेबर का काम यह है कि वो उन कामों को इम्प्लीमेंट करें और उन कामों को इम्प्लीमेंट करके जो है फिर वो ये काम करेंगे। तो इस तरह उसने एक किस्म का मैनेजमेंट का काम और लेबर के काम को जो है उसने डिवाइड किया कि मैनेजमेंट का काम यह है कि वो बेहतरीन तरीके से इस काम को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा काम हो किस इस काम को किस तरह बेहतरीन तरीके से क्या बेस्ट वे क्या है इस काम को करने के हवाले से, और लेबर का काम यह है कि वो उस काम को इम्प्लीमेंट करें। तो FW टेबर ने टेबर FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुनियादें रखी
और उसने ये कहा कि अगर, और उसने एक टाइम से, और उसने ये बताया कि अगर एक टाइम के अंदर जो बेस्ट काम होता है वो सबसे कम वक्त के अंदर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, बड़ा एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट से मुराद ये है कि देर इज अ वन बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम एंड रूटीनाइजेशन ऑफ मोशन। यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए उसने टाइम और मोशन की स्टडीज की, क्लॉक वॉच लेकर मुख्तलिफ किस्म के टाइम का सीक्वेंस किया और उस काम को करने के हवाले से ये काम किया। टेलर ने चार प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के हवाले से। एक तो उसने कहा कि साइंस ऑफ वर्क डेवलप करनी चाहिए, स्टॉप वॉच के जरिए से ह्यूमन मूवमेंट को देखना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए इस काम को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय को ही काम के लिए रखना चाहिए जो उस काम को बेहतरीन तरीके से कर सके, और फिर उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर ये साइंस ऑफ वर्क और सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय को कंबाइन करके जो है वो काम को करना चाहिए। और मैनेजमेंट का जो है ज्यादा फोकस जो होगा वो मेंटल लेबर के ऊपर होगा, और जो वर्कर का फोकस होगा वो मैनुअल लेबर के ऊपर होगा, और हाई ऑर्डर मेंटल लेबर जो होगी वो मैनेजर करेंगे जबकि मैनुअल लेबर जो है वो वर्कर करेंगे। तो बहरहाल आपको नजर आता है कि ये जो फिटिंग द पर्सन टू द जॉब, पर्सन टू जॉब फिट की जो बात है, वर्क डिजाइन की जो बात है, इसका कह सकते हैं वो टेलर को कह सकते हैं। तो टेलर के इस हवाले से नजर आती हैं बातें, जो टेलर ने इस हवाले से कंट्रीब्यूशन की है, और भी बातें इसके अंदर हुई हैं, बहुत कुछ भी किया है इस हवाले से टेलर के हवाले से, कि टेलर के लोगों ने, पहली बातें कुछ क्रिटिसिज्म मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसे कुछ एम्प्लॉयर जो हैं टेलर के पूरे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने ये तो इम्प्लीमेंट कर लिया कि एफिशिएंसी क्रिएट की जा सकती है टाइम मेजरमेंट के जरिए से, लेकिन जो टेलर ने एक और आइडिया दिया था कि जो लोग उस काम के अंदर उसको एफिशिएंटली करेंगे उनको चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इसमें ये भी लोगों ने कहा कि ये ले ऑफ भी हुए, क्योंकि पहले जो बहुत सारे लोग काम किया करते थे, जब आपने बेस्ट वे निकाल लिया तो लेबर की भी जरूरत कम पड़ गई, तो फिर ले ऑफ भी हो गया, काफी लोग वहां से चले गए। तो ये कुछ टेलरिज्म के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी है। अच्छा, फिर कुछ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो हेनरी फोर्ड के हवाले से किए जाते हैं। हेनरी फोर्ड को आप समझ लें कि ये बाबा आदम थे, ये असेंबली लाइन के हवाले से, असेंबली लाइन के हवाले से, कि जो इन्होंने, टेलर ने ये जो सिस्टम बताए, तो हेनरी फोर्ड आप समझ लें कि जिस तरह फोर्ड गाड़ियां जो उसने बनाई, तो उसने इन प्रिंसिपल को अपनी असेंबली लाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। पहली असेंबली लाइन तो स्लॉटर हाउस था, स्लॉटर हाउस आप समझ लें, आप कसाब खाना समझ सकते हैं जहाँ जानवर ज़बह होते हैं। उसने पहले तो ये प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई किए टेलर के, और वो उसके कपड़े कामयाब रहे, और उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल जो है उसने फिर गाड़ियाँ बनाने के अंदर भी अप्लाई किए। तो जो उसने ये काम किया कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई, एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई, और हाई डिग्री ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन क्रिएट की, कि भाई वो लोग जो हैं जो वो ये काम कर रहे हैं उनको वो टास्क दिया कि ये काम कर रहे हैं, और उस काम को वो बार बार करके बड़े हाईली स्पेशलाइज हो जाए, और उसके नतीजे के अंदर एक अथॉरिटी का स्ट्रक्चर भी बनाया, जो लोग हैं उनको वो, कुछ लोग उनको सुपरवाइज करते हैं, फिर लोग कुछ उनको सुपरवाइज करते हैं, और एक वर्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, एक एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बनाया। तो स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया, स्पेशलाइजेशन से मुराद ये थी कि जब लेबर को आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं स्मॉलर पीसेस स्पेसिफिक टास्क में, तो वो जो है ज्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है उसे डिफरेंट था क्राफ्टमैनशिप से। क्राफ्टमैनशिप का मुराद ये, अगर एक नीडल बनाता है क्राफ्ट में, तो पूरी नीडल बनाता है, इस तरह कोई बढ़ई है, कारपेंटर है, तो पूरे का पूरा वो फर्नीचर क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट था कि कॉम्पोनेंट्स को बनाए और फिर उन कॉम्पोनेंट्स को आप असेंबल कर दें, टुगेदर कर दें। इस केस में जो हेनरी फोर्ड साहब थे, उनके वहाँ मैनेजेरियल कंट्रोल जो था वो स्मॉल था, लॉन्ग चेन्स ऑफ कमांड थी और लिटिल पार्टिसिपेशन थी, कि लोग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में और डिसीजन मेकिंग में बातचीत करें, और एक किस्म की टॉल ऑर्गेनाइजेशन और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ। जॉब जो थी वो रेपिटेटिव थी, बोरिंग थी, एग्जॉस्टिंग थी, एम्प्लॉयज जो थे वर ऑफनली अनसरप्राइजिंगली रेजिस्टेंट टू द डिसिप्लिन, जो कि मैनेजमेंट सिस्टम उनके ऊपर एम्प्लाय करते थे, और मैनेजर का बुनियादी काम यह था कि उनको कंट्रोल करें,
और कॉन्फ्लिक्ट को दबाया जाता था और रिजॉल्व नहीं किया जाता था। अच्छा, अब हम आते हैं हेनरी फ्योल के, हेनरी फ्योल के हवाले से बात करते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड की बात की, फोर्डिज्म की बात की, टेलर की बात की, टेलरिज्म की बात की, तो अब हम हेनरी फ्योल साहब कौन थे, इनके क्या प्रिंसिपल थे और इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन की, इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, हेनरी फ्योल जो थे वो एक सिग्निफिकेंट यूरोपियन फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। फ्रेंच के अंदर उन्होंने पहले किताब लिखी थी जो कि कुछ देर के बाद अंग्रेजी के अंदर आई, और उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए कि अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हैप्पी एम्प्लॉयज के लिए, उन्होंने कहा कि अगर आप ये 14 प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अथॉरिटी, आप लोगों को राइट टू गिव द ऑर्डर, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग बना रहे हैं जिनके राइट टू गिव द ऑर्डर, देन डिसिप्लिन, देयर वाज टू बी यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिपोर्ट टू द वन एंड ओनली वन बॉस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अ सिंगल माइंड शुड जनरेट अ सिंगल प्लान, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रेम्यूनरेशन पॉलिसी, एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर पेमेंट फॉर सर्विसेज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन मेड फ्रॉम द टॉप, स्केलर चेन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड फॉर्मल चेन ऑफ कमांड रनिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज इन द मिलिट्री एंड ऑर्डर, ऑल मटीरियल एंड एम्प्लॉयज हैव अ प्रिस्क्राइब्ड प्लेस वेयर दे शुड बी फाउंड, और इक्विटी, देयर शुड बी प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, और लिमिटेड टर्नओवर ऑफ द पर्सनल वाज अ गुड थिंग, यानी सब लोगों को लाइफ टाइम टेन्योर नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज होंगे जिनको लाइफ टाइम टेन्योर मिलेगा, और एस्पिरेट डिकॉप्स, देयर शुड बी हार्मनी एंड कोहेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। तो ये फ्योल के प्रिंसिपल थे जो कि उन्होंने बताया कि मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जा सकता है, और 1940 के अंदर इनकी फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई, इसलिए फिर इसका इम्पैक्ट उस वक्त आपको नजर आता है। अच्छा जी, तो अभी तक हमने बात कर ली, टेलरिज्म के हवाले से बात कर ली, फोर्डिज्म के हवाले से बात कर ली, और हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल के हवाले से बात कर ली। तो आप ये समझ लें कि मैं आपको एक मैनेजमेंट की, जो मॉडर्न मैनेजमेंट की हिस्ट्री है, आपको आशनाई आपकी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है हालत में पहुंची है, किस तरीके की क्या प्रैक्टिस है, और आपको ये प्रैक्टिस आज भी नजर आती है मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस के दौरान। ओके जी, तो अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी करेंगे। रियासत सेंट्रलाइजेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन हैं वो एक सेंट्रल जगह के ऊपर होते हैं, एक जगह के ऊपर होते हैं, और सेंट्रल जगह वो हो सकती है जो उनका हेड ऑफिस हो सकता है, हेड क्वार्टर हो सकता है, और या फिर कोई ग्रुप ऑफ द पीपल हो सकते हैं जो कि जहाँ जो लोग डिसीजन लेते हैं, और इसके ऑपोजिट आप समझ लें डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ लोगों को एम्पावर किया जाता है कि वो अपने जो रोजमर्रा के ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कर सकें। तो सेंट्रलाइजेशन से बुरा यह है कि हायरार्की में जो नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेती थी, हेनरी फ्योल का यह ख्याल था कि डिसीजन को सेंट्रलाइज करने से डिसीजन जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं, ताकि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनको मालूम होता है उन्होंने पहले क्या डिसीजन लिया और फिर बाद में कैसे डिसीजन लेते हैं उस हवाले से। तो इस हवाले से कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। बहरहाल इसके अगेंस्ट भी है कि डिसीजन स्लो भी हो जाता है, बाद में आने वाले लोगों ने भी बात की इसके हवाले से, क्रिटिसिज्म भी किया इसके ऊपर, लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है सेंट्रलाइजेशन के हवाले से। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हम बात करेंगे, मैक्स वेबर की बात करेंगे, और मैक्स वेबर ने प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो बात की उनके हवाले से बात करेंगे, और जो कि एक जर्मन थे वेक मैक्स वेबर, एंड ही नोटेड द ब्यूरोक्रेसी, और उन्होंने एक मॉडल जो था, और ये बुनियादी तौर पर मॉडल मिलिट्री के ऊपर बना हुआ था, क्योंकि आप देखें उस जमाने में मिलिट्री ही एक डोमिनेंट मॉडल एग्जिस्ट करता था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो मिलिट्री ही की थी, और उसके बाद रेलवे की भी आई,
लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती है, यही मॉडल आपको नजर आते हैं कि मिलिट्री के अंदर बड़े लेवल के ऊपर ह्यूमंस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, रिसोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है ये एक मॉडल है मिलिट्री के मॉडल के ऊपर ही। और तो लार्ज स्केल मैनेजमेंट जो थी तो मिलिट्री के अंदर कैसे होती थी, फिर उसकी आपको इम्प्लीकेशन रेलवे कंपनी के अंदर नजर आई कि किस तरह का पिरामिड ऑफ यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन वर्कर एंड दे हैव अ जॉब सिक्योरिटी एंड दे हैव सिक्योरिटी इवन पेंशंस, इस तरह की एग्जांपल आपको नजर आती है। ओके, लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं था कि मिलिट्री डिसिप्लिन ही एक आइडियल मॉडल था मॉडर्न कैपिटलिस्ट फैक्ट्री के हवाले से। मैंने आपको बताया ना किस तरह फैक्ट्री का जब साइज बढ़ना शुरू हुआ, रिसोर्सेज बढ़ने शुरू हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ना शुरू हुए, तो इस बात की जरूरत महसूस हुई कि अब इन एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो फिर जरूरत पेश आई कि आपको ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसके जरिए से इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम मैनेज कर सकें, तभी ब्यूरोक्रेसी की जो है फिर जरूरत, ब्यूरोक्रेसी का मॉडल जो है वो सामने आया। और अब जिस तरह हमने बात अभी की थी स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन को भी देखा गया, डिसिप्लिन के हवाले से भी बात की गई। अभी हम इसके देखते हैं मेन फॉर्म क्या है। तो 19th सेंचुरी के एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक हॉलमार्क बन गई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। और इनका बुनियादी जो के आप समझ लें आइडिया था, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रैशनल मीन्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एंड्स, और इन अ ब्यूरोक्रेसी टेक्निक्स वुड बी मोस्ट रैशनल व्हेन दे वर डिजाइंड प्योरली फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस। यानी जो काम जिस मकसद के लिए बना है उसको रैशनली सोचकर उस एंड तक पहुंचाया जाए। और ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल इज अ डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, और वेबर ने और सब्सिक्वेंट थ्योरिस्ट सॉ दिस प्रिंसिपल एज बीइंग एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। और ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, एक एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की एक किस्म है ब्यूरोक्रेसी, जिसके जरिए से आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ हायरार्की ऑफ डिफरेंशिएटेड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन विच रूल्स एंड डिसिप्लिन आर अरेंज्ड नॉट ओनली हायरार्कीकली इन